नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ब्रो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको ब्रदर कार्टेज DR-2255 को कैसे रिपेयर करें और कैसे रिफिल करें वह बताऊंगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आज की वीडियो में ब्रदर की जो कार्टेज है वो कैसे रिफिल करें। जैसे आप देख रहे हैं DR-2255, इसको आज अपन कैसे रिफिल करेंगे ये मैं आज की वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इसके जो दो पार्ट हैं, ये आपका इंक पार्ट होता है जिसमें कि आपकी इंक भरी जाती है। दूसरा ये ड्रम यूनिट पार्ट है, इसके अंदर आपकी ड्रम चलता है आपका। और इंक के लिए क्या करना है आपको, वैसे दोस्तों ये बिल्कुल सिंपली है, ये आप देख रहे हैं। रिफिल करने के लिए यहाँ से आपको इसको ओपन करना है। हाँ दोस्तों, जैसे ये देख रहे हैं आप, इसको आपको खोलना है। अपन इसमें इंक डाल रहे हैं और इसके बाद इसको आप प्रेस के साथ बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एयर टाइट होना चाहिए। ये जैसे आप पैक कर दीजिए इसको, और इसका जो ये आप देख रहे हैं डेवलपर ड्रम, इसको आप स्मूथली साफ कर लीजिए। और अगर आप जैसे इसको निकालना भी चाहते हैं तो इसको मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पिच लगे हुए हैं, क्योंकि जो आपकी क्या होता है, ये आपने देखा होगा कि जो पहले नई काटे जाती है तो उसमें ये गेयर नहीं होता, ये प्लेन होता है यहाँ पर। और जब ये अपन इसको मतलब रिफिल करते हैं तो ये फिर अपन को मार्केट से लेना पड़ता है। ये ऐसे यूनिट में आपको दिखा रहा हूँ, खोल के इधर से भी अपन खोलेंगे, इस तरह से बड़े आराम से ये निकल रहा है। ये आपका ये मार्केट से मिलता है आपको, ये गियर ये मिलता है, क्योंकि जब आप रीसेट करते हैं कई बार, जो आप देखा होगा कि आपका जो प्रिंटर्स है वो इंक भरने के बाद भी इंक लो इंक दिखाता है, मतलब इंक पे ब्लिंक होता रहता है वो, तो वो किस वजह से होता है तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो है मार्केट में पूरी यूनिट आपको इस तरह से ये मिल जाती है। ज़्यादा महंगी नहीं है, 100-150 रुपये में ये यूनिट मार्केट में मिल जाती है। तो उससे आप अपने यूनिट जो प्रिंट जो कार्टेज है उसको आप रीसेट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आपके सारे गियर्स लगे हुए हैं, जो आपकी इसकी जो फिटिंग है, जैसे आप ये मार्केट से लाते हैं तो आपको कैसे फिट करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जब आप देखेंगे जो आपने निकाला है गियर, तो ये जो पुली है, ये देख रहे हैं आप ये नोब, इसको आपको नीचे रखना है, ठीक है, इस तरह से रखना है। और इसको बड़े आराम से आप जो है इस तरह से लगा दीजिए, मतलब ये यूनिट मैंने आपको इसलिए बताई कि जब आप कार्टेज रिफिल करते हैं, और आपने देखा होगा कि वो कार्टेज भरने के बाद भी कार्टेज की एरर आती है, टोनर लो, तो कई बार आदमी कंफ्यूज होता है कि भाई कार्टेज रिफिल हुई है या नहीं हुई है, भाई सामने वाले ने उसको इंक डाली भी या नहीं डाली है, तो उसका रीज़न ये गियर्स होता है। तो इसको आप मार्केट से लाके रिप्लेस कर दिला दीजिए, और उसकी फर्स्ट पोजीशन इस तरह रखना है आपको, और इसको आप लगा दीजिए। ये दोस्तों आपका इंक ड्रम है वो रिफिल होके आपका ये तैयार है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये जो आपकी यूनिट है ड्रम यूनिट, इसको आपको देखना है कि इसकी क्या पोजीशन है ड्रम की, तो उसको भी आपको साफ करना है, इसकी डस्ट आप साफ कर दीजिए। और ये आप इधर से आप देखेंगे कि इसमें आपका एक कोरोना वायर होता है, या तो आप ये हो, ये आपकी जो मैंने आपको पिछले भी बताया था, ये एयर बड्स होती है, इसको आराम से आप जो ऐसे ऐसे तीन चार आप कर देंगे, जो इस पे जो कार्बन होगा वो साफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये दोनों यूनिट साफ हो जाती हैं, और इसके बाद आप इसको आराम से उठा दीजिए। तो इस तरह से जो आपने देखा कि ये जो कार्टेज है DR-2255 ब्रदर की, ये आपने आज देखा कि हमने इसको कितनी स्मूथली तरीके से बड़े आराम से जो है इसको रिफिल किया है। और अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट इसमें से अपन को हटाना है तो आप उसको हटा भी सकते हैं दोस्तों। इस तरह से ये आज की वीडियो में हमने आपको ब्रदर को कार्टेज को कैसे रिफिल करें बताया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको
कोई कमी लगे या आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।